हे गाइस, हम फिर से लेकर आ चुके हैं कैसीफाई से लिए हुए आईफोन 12 के रिव्यू को लेकर। और ये हमारा फ़ोन जो है लगभग 4 महीने का हो चुका है, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं कैसीफाई से आईफोन तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और पिछले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो इससे रिलेटेड डाल रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या इसकी क्वालिटी है इस समय, और क्या कुछ इसमें हमें अच्छा मिल जाता है, और क्या कुछ हमें दिक्कत देखने को मिल रही है 4 महीने के बाद इस कैसीफाई के आईफोन 12 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इसकी सबसे अच्छी बातें। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन हमने लिया था सुपर कंडीशन में लिया था, और यहाँ पे हमको कोई भी कहीं से भी डेंट देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे आप बॉडी में देख पाएंगे या फिर स्क्रीन पे देख पाएंगे, कहीं पे भी हमें कोई भी स्क्रैच नहीं मिला था। तो ये बाकी सारी कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद आती है इसके अंदर की चीज़ों की। तो यहाँ पे फेस आईडी भी काफ़ी अच्छे से अभी भी काम कर रहा है, लेकिन एक चीज़ में काफ़ी बड़ी दिक्कत आ चुकी है, एक नहीं दो चीज़ों में काफ़ी बड़ी दिक्कत है, वो हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ अभी। पहले हम आपको बता देते हैं सारा कुछ, आपको इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आप बैटरी की परसेंटेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि कितने परसेंट बैटरी बची है। अगर आपने पहले वीडियो अनबॉक्सिंग का नहीं देखा है तो उसमें हमने जो है परसेंटेज दिखाई हुई है, कितने परसेंट थी पहले और अभी कितने परसेंट रह चुकी है ये बैटरी, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बैटरी पर चलते हैं और बैटरी हेल्थ पे देखते हैं। और ये देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 88% की हो चुकी है, और ये रियल में कितनी है वो भी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, वो भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि रियल में इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी है। और तो केवल कर रहा है 88%, और कैमरा भी हमारा जो है पूरी परफेक्ट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो चाहे फ्रंट वाला हो या फिर रियर वाला, सारा कुछ काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इनमें सारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ना ही बैटरी बैकअप में। बैटरी बैकअप में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है रियल वाली वो बहुत ही कम हो चुकी है, तो ये एक दिक्कत है जिसके कारण बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा हमें कम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव रीजन्स की, क्या इसमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात, इसकी जो बैटरी है वो हमें बूस्टेड मिली है। बूस्टेड क्यों? क्योंकि ये जो हमने 88% दिखाया है ये तो 88% है, लेकिन अगर हम आपको रियल में दिखाएं तो रियल में आप देख पाएंगे। सीधे हम चलते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अभी कि कितने परसेंट इसकी जो बैटरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम गए शेयर पे और ये नीचे बैटरी स्टेट, और ये अभी आप देख पाएंगे 91% इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो रियल में है। बाकी कितने परसेंट ये शो कर रही वो तो आपने देखा ही, तो रियल में जो है 81.91% इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो रियल में है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। तो दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसका जो ये बटन है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ये दोनों ही काफ़ी बेकार हो चुके हैं, बहुत ही टाइट हो चुके हैं। इनको अगर प्रेस करेंगे तो आप अगर आवाज़ सुने, प्रेस तो हो रहा है लेकिन आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। वहीं पर वॉल्यूम अप को प्रेस करते हैं, प्रेस हो रहा है लेकिन बहुत टाइट है, कोई आवाज़ नहीं आती है। वहीं पे पावर बटन को प्रेस करते हैं, ये तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी, बाकी कोई ओवरऑल दिक्कत नहीं है, बस यही दो चीज़ें जो है दिक्कत कर रही हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेने वाले कैसीफाई से आईफोन तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो हो सकता है और भी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़े, क्योंकि इसको हमने स्टोर से बाय किया था। तो आप भी अगर बाय करने वाले हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मॉडल, कौन सा फ़ोन आप बाय करने वाले हैं।